दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल का हैंडल नहीं बनाया है, हैंडल सेट नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि YouTube स्टूडियो में हैंडल का ऑप्शन कहां पर होता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि YouTube स्टूडियो में हैंडल का ऑप्शन कहां पर होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूँ शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वैसे तो आपको यूट्यूब का हैंडल बनाने के लिए मेल भी मिल जाता है, मेल से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उस पर ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और स्टूडियो में भी आप जाएंगे, स्टूडियो बीटा में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इन तीन जगहों से आप अपने यूट्यूब चैनल का हैंडल बना सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों हैंडल की मेन सेटिंग में जाकर भी हैंडल चूज कर सकते हैं, हैंडल की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैं मेन सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा और जहां जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि YouTube चैनल के हैंडल को हम कैसे सेट करेंगे, कहां से सेटिंग करेंगे और हैंडल का ऑप्शन कहां पर होता है। तो दोस्तों YouTube हैंडल का ऑप्शन देखिए हमें कहां कहां पर मिलता है, यह सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं इसकी मेन सेटिंग बताऊंगा कि मेन सेटिंग में हमें कहां पर YouTube हैंडल का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए यहां पर मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर ही यहां पर नोटिफिकेशन डला हुआ है और यहां पर देखिए चूज नाउ का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। तो यहां से हम अपने यूट्यूब चैनल का हैंडल सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर मैं आप लोगों को मेल भी दिखा देता हूँ। दोस्तों मेल में आप देख सकते हैं मेरे पास मेल भी आया है YouTube हैंडल का, यहां पर देख सकते हैं आप ये मेल डाला हुआ है, मैं इस पर टैप कर देता हूं। टैप करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चूज हैंडल का ऑप्शन हमें यहां पर भी मिल जाता है। तो यहां पर क्लिक करके हम हैंडल को चूज कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर हम स्टूडियो बीटा में जाएंगे। दोस्तों यहां पर मैंने स्टूडियो बीटा ओपन कर रखा है और दोस्तों यहां पर भी आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है और चूज नाउ का ऑप्शन हमें यहां पर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको यह तीन नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, एक मेल में, एक आपको स्टूडियो बीटा में और एक YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। इसके अलावा दोस्तों YouTube हैंडल की एक मेन सेटिंग भी होती है, चलिए आप लोगों को उसके बारे में भी बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने स्टूडियो बीटा को ओपन कर रखा है, लेफ्ट साइड में हमें मेन्यू मिल जाता है। मेन्यू में यहां पर दोस्तों हमें नीचे देखिए यहां पर डॉलर का आइकन बना हुआ है, मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है उसके नीचे यहां पर हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो कस्टमाइजेशन पर हमें टैप करना है। जैसे ही कस्टमाइजेशन पर हम टैप करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चैनल कस्टमाइजेशन में हम आ जाते हैं। दोस्तों ऊपर यहां पर आप देखेंगे हमें तीन टैब मिल जाते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहां पर हमें बेसिक इंफो पर टैप कर देना है। जैसे ही बेसिक इंफो पर हम टैप करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हैंडल का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो यहां पर देखिए सेट योर हैंडल लिखा हुआ है। दोस्तों यहां पर हमें सेट योर हैंडल में अपने चैनल का हैंडल सेट करना होता है। दोस्तों अगर आपने कस्टम यूआरएल पहले से ही सेट कर रखा है तो आपको यूट्यूब जो है वो सजेस्ट कर देता है। सजेस्ट कैसे करता है, जो भी आपने यहां पर कस्टम यूआरएल ले रखा होगा, देखिए यहां पर मेरे चैनल का कस्टम यूआरएल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर रियल टेक हेल्प ऑफिशियल। तो दोस्तों यहां पर जो मेल आया है और जो नोटिफिकेशन ऊपर डले हुए हैं, अगर हम उन पर चूज नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यूट्यूब हमें हमारा हैंडल खुद सजेस्ट कर देगा हमारे कस्टम यूआरएल के हिसाब से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने आप ही आप देख सकते हैं रियल टेक हेल्प ऑफिशियल आ गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर मैंने टाइप भी नहीं किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेट जो है वो थोड़ा स्लो था, इसलिए यहाँ पर टाइम लगा, नहीं तो अपने आप ही यहाँ पर हमारा जो हैंडल है कस्टम यूआरएल के हिसाब से आ जाता है। दोस्तों अब यहाँ से आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर हैंडल चूज भी कर सकते हैं, जिस भी नाम से आप हैंडल बनाना चाहते हों उस नाम से यहाँ पर आप हैंडल बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको यहाँ पर उस नाम को टाइप करना होगा, अगर वह अवेलेबल होगा यूट्यूब पर तो आपको वह मिल जाएगा, नहीं तो आपको कोई दूसरा यूनिक नेम यहां पर टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब हैंडल का जो ऑप्शन है वो आपको यूट्यूब स्टूडियो में कहां पर मिलेगा और आप कहां कहां से चूज कर सकते हैं यूट्यूब हैंडल को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में बताई गई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।